बिल्कुल, और हमने पहले 4 साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमेशा टॉप पे रहे, हमें फिक्र ही नहीं होती थी कि नीचे टीम्स क्या कर रही हैं। एक मीम भी शायद बंदी के 5 टीमें ट्राई करती हैं कि फाइनल क्वेटा में कौन क्वेटा से खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल देखें, बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी किया ड्यू टू इंजरीज और शेड्यूल और ये सब हमारी टीम बड़ी डिस्टर्ब रही। सरफराज के साथ जो हुआ आपको पता है, वो कप्तान भी आपका अगर डिस्टर्ब हो तो टीम कैसे है। तो एनीवे इस दफ़ा टीम भी अच्छी बनी है माशाल्लाह, कप्तान भी सेटल्ड है हमारा बहुत अच्छा। अभी हम क्वेटा गए, आपको पता है मैच भी जीता, जो कि मुश्किल था जीतना, लेकिन लड़े ग्लैडिएटर्स की तरह। तो इस दफा कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ऑल द वे जाएंगे। जैसे आपने सरफराज के हवाले से कहा, तो एक प्लेयर जब टीम से बाहर होता है, नेशनल टीम से कोई स्टार प्लेयर, तो कॉन्फिडेंस का कम हो जाता है। सरफराज ने कमबैक किया 4 साल बाद और मैन ऑफ द मैच भी रहे, सेंचुरी भी उन्होंने बनाई, तो आपको लग रहा है पुराना वाला सरफराज नजर आएगा पीएसएल में? इंशाल्लाह, देखो मेहनत भी बहुत कर रहा है, और जो सबसे अच्छी बात थी कि देखें वो 2-3-4 साल चुप खामोश रहा, जो सबसे अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करता रहा, अभी भी मेहनत कर रहा है, नेट्स में है और कॉन्फिडेंस अब आ गया है। आपको जैसा आपने कहा ना, मैन ऑफ द मैच मिला, फिर वापस आए, और ऐसा कमबैक मेरे ख्याल में इतने अरसे बाद किसी का हो, डेब्यू समझे होता है उनका, और उसने जो परफॉर्मेंस दी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो इंशाल्लाह अब जब जैसा आपने कहा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आई एम श्योर वो टीम हमारी लीड करेगा अच्छी तरह।